अग्नि पथ पर नहीं योग पथ पर चले, और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए हमारी, अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए, नहीं तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्नि पथ नहीं योग पथ पर चलें, और अग्नि पथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूकने से देश का नुकसान होता है, और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है, ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे, गलत बात है। युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे क्या? युवा अपना हौसला बरकरार रखें, जो उनको विरोध करना है वो करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें। और सेवा चाहे एक दिन की मिले, चाहे चार साल की मिले, चाहे पांच साल की मिले, कुछ करें, सात साल का होना चाहिए कम से कम ये पीरियड, जो भी सरकार निर्धारित करे। और जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं, सबकी राय आ चुकी है, सबके स्वर सत्ता के कानों तक पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है धीरज रखने की आवश्यकता है। धैर्य पूर्वक इस अब आंदोलन के स्वर भी अब गूंज रहे तो कुछ ना कुछ समाधान अवश्य निकलेगा। अच्छा, थोड़ा शांति का योगदान।